भाजपा के तीन जमाई ईडीआईटी सीबीआई मशीन लेके गए। अरे भैया, एकाध दो लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडा ही है क्या? उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई क्या? बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, अब आपको सीट के लाले पड़ने वाले हैं। और चूंकि सीट के लाले पड़ने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल लोग नहीं हो, आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं, आपके कुव्वत ही नहीं है। आपने क्या किया, जो बहुत खूबसूरती से तेजस्वी जी कहते हैं, भाजपा के तीन जमाई ईडीआईटी सीबीआई, अब इन जमाइयों को आगे करके अगर घर को तहस नहस करने की योजना बना रहे हैं तो आपको आगाह किया जाता है और सीबीआई से यह आग्रह किया जाता है कि माफीनामा जारी करें। अब ये बात गौर करने की है कि अब तक बिहार में जितनी जगह छापे पड़े, हमने मीडिया में आपके माध्यम से कहा, आपके समक्ष कल भी हमारे नेता तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे, लेकिन साक्ष्य और सबूत रखने के बावजूद ये चुप्पी क्या दर्शाती है? अभी तक हमने जनता से समर्थन नहीं मांगा है। इन संस्थाओं के चरित्र हनन का, कि जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, ईडी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, आईटी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये आईना दिखा रहे हैं हम। आईना देखिए, बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है। अभी बात हो रही थी हमें अपने दोनों प्रवक्ताओं से, गांव में लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है ये लोग, अभी सरकार बना, जिस दिन विश्वास मत है छापा पड़वा रहा है, क्या मिला छापे में, तो हवा में बात कर रहे हैं। मशीन लेके गए, अरे भैया एकाध दो लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडा ही है क्या? गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है, आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हमारी तरह के आपकी तरह के इंसान हैं। सेल डी डाई आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते हैं, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा, अगर 100 लोग के यहां छापा पड़ा तो 100 कागज तो मिलेगा ही। अब वो 100 कागज सेल डीड हो गया, मीडिया में प्लांट करवा रहे हो, गोदी मीडिया में ना, ये बेईमानी है, ये घटिया राजनीति है, और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। ये राजनीति तय कर देगी कि आपके पास गिनती के सांसद नहीं बचेंगे 2024 में। लेकिन अभी भी आग्रह करूंगा कि पॉलिटिकली लड़िए हमसे। अगर व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट बीजेपी का है, रेड मारो। तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया, और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। ये राजनीति नहीं चलेगी,
ये दोहरापन नहीं चलेगा। और इस दोहरेपन को हम आज चुनौती देते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र हनन का आपने प्रयास बंद नहीं किया, खास तौर पर तेजस्वी जी द्वारा साक्ष्य और सबूत देने के बाद, तो अब हम जनता के बीच में जाएंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।